नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खास बात वीर सिंह के साथ। दोस्तों, आखिर रसिया और यूक्रेन के बीच युद्ध क्यों हो रहा है और रसिया को यूक्रेन से क्या चाहिए, आज हम इस पर चर्चा करेंगे। दरअसल यूक्रेन नेटो देशों का सदस्य बनना चाहता है। वर्ष 2008 में नेटो देशों ने यह फैसला लिया था कि वह यूक्रेन को अपने सैन्य संगठन में शामिल करने का विचार करेंगे। इसके लिए एक समिति का भी गठन किया गया था, लेकिन उस समय भी रशिया की तरफ से यूक्रेन पर इतना ज़्यादा दबाव बनाया गया कि यूक्रेन को इस समझौते से पीछे हटना पड़ा और डील नहीं हो पाई। तब से यानी 2008 से अब तक यूक्रेन समय समय पर नेटो देशों में शामिल होने का प्रयास करता रहा और यूक्रेन ने ऐसे ही कोशिश वर्ष 2021 के अंत में की थी, जिससे रशिया ने बड़ा कड़ा ऐतराज जताया और बात युद्ध तक पहुंच गई। अब आप सोच रहे होंगे कि यदि यूक्रेन नेटो देशों में शामिल होना चाहता है तो रशिया को उससे क्या परेशानी है। दरअसल नेटो देश रशिया को अपना दुश्मन मानते हैं और इसलिए रसिया यह नहीं चाहता कि उसका पड़ोसी दुश्मनों से मिल जाए। इसका सबसे बड़ा कारण यह भी हो सकता है कि यदि यूक्रेन नेटो देशों से मिल गया तो नेटो की सेना यूक्रेन तक यानी रसिया की सीमा तक आ जाएगी, जो कि रसिया के आंतरिक सुरक्षा के लिए काफ़ी खतरनाक हो सकता है। नेटो 30 देशों का एक संगठन है। रसिया के कुछ पड़ोसी देश पहले ही नेटो ज्वाइन कर चुके हैं। ऐसे में यूक्रेन भी अगर नेटो देश में शामिल होगा तो रसिया चारों तरफ से दुश्मनों से घिर जाएगा। अगर यह अपने दुश्मनों से घिर गया तो अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश रसिया पर हावी हो जाएगा और अमेरिका जब चाहे तब रसिया के गले का फंदा बन सकता है। नेटो का एक सिद्धांत है, यदि नेटो देशों में से किसी एक पर यदि दुश्मन हमला करता है तो नेटो के सभी देश मिलकर हमलावर देश के खिलाफ लड़ेंगे। जैसे यदि यूक्रेन नेटो का सदस्य होता तो आज सभी नेटो देश यूक्रेन की मदद के लिए रशिया के खिलाफ अपनी सेना भेज देता और इसलिए रशिया यूक्रेन को नेटो देशों में शामिल नहीं होने देना चाहता है। दोस्तों, पहले रशिया और यूक्रेन एक ही थे, इस पर रशियन अम्पायर का राज चलता था। सन 1917 में यूक्रेन रशिया से अलग हो गया। एक समझौते में यूक्रेन को दो बड़े देशों ने वादा किया था कि हम यूक्रेन की हमेशा मदद करेंगे और वो दोनों देश अमेरिका और रशिया थे, जिसमें से एक ने तो हमला ही कर दिया और दूसरा देश बचाने को नहीं आ रहा है। दोस्तों, ऐसा संकट कभी भी किसी भी देश पर आ सकता है। इससे हमें यह सीख मिलती है कि यदि आपका देश कमज़ोर है और आपके देश के निर्णायक नेतृत्व यदि कमज़ोर हैं तो आपकी कोई मदद नहीं करेगा। दोस्तों, दुनिया में यूँ तो कई संगठन बनाए गए हैं, जैसे G7, G8, G20, SAARC, नेटो, UN इत्यादि, और यह सब संगठन का कहना है कि संकट में एक दूसरे की मदद करेंगे, लेकिन सच तो यह है कि यदि आपका देश मजबूत है तो सब आपका साथ देंगे, सब आपकी मदद करेंगे, और यदि नहीं तो कोई आपका साथ नहीं देगा। जैसे UN ने अफगानिस्तान में क्या किया, सबको मरने के लिए छोड़ दिया, और आप जानते हैं कि सीरिया में क्या हुआ, और अब UN यूक्रेन में भी कुछ नहीं कर पा रहा है। कोई भी देश यदि अपनी रक्षा के लिए स्वयं सक्षम नहीं है तो तमाम संगठन के सदस्य होने के बावजूद भी कोई उनकी मदद नहीं करने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है।